कंजंक्शन के पार्ट सेवन में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। इसमें कुछ जोड़ा जो आता है उसके प्रयोग के बारे में समझेंगे। इसे वेदर के साथ और आता है, तो वेदर और का मतलब होता है चाहे या, तो याद रखना है वेदर के साथ और आता है। इसे आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, तो इसमें आपको एरर क्या दे देता है, आई डू नॉट नो इफ ही विल कम और नॉट, यहां पर इफ दे देता है वेदर के जगह पर, तो यहां पर इफ के साथ और नहीं आता है, और जब दिया हुआ है तो यहां पर जब भी आएगा तो वेदर ही आएगा, तो गलती क्या पूछता है यहां पर, वेदर के जगह पर इफ का प्रयोग कर देता है। आई हैव नो प्रॉब्लम वेदर ही स्टेज और गोज, अब दोनों का अर्थ देख लीजिए, मैं नहीं जानता हूं कि वह आएगा या नहीं, चाहे या कि या, यहां पर आ गया, मैं नहीं जानता हूं कि क्या के अर्थ में यहां पर आया है कि क्या वह आएगा या नहीं, और चाहे या के भी अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं है, वेदर ही स्टेज और गोज, चाहे वह ठहरे या जाए, तो दोनों अर्थ में प्रयोग हुआ है चाहे या कि क्या या, कि क्या या के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें गलती क्या पूछता है, वेदर के जगह पर इफ लगा करके पूछ देगा, इफ ही स्टेज और गोज, तो जैसे ही देखिएगा कि यहां पर और लगा हुआ है तो यहां पर इफ नहीं आएगा, नॉट इफ, यहां इफ नहीं आएगा, इफ के जगह पर वेदर आएगा, ठीक है। अगला प्रयोग जो है द सेम के साथ, द सेम के साथ दैट भी आ सकता है, एज भी आ सकता है, लेकिन ध्यान देना है कि दैट कब आएगा, जब वर्ब अस्पष्ट हो, कौन अर्थ में, वैसा ही जैसा, और द सेम के साथ एज कब आएगा, जब वर्ब अस्पष्ट नहीं हो, तो वर्ब अस्पष्ट रहने पर दैट आएगा द सेम के साथ, और वर्ब अस्पष्ट नहीं रहने पर द सेम के साथ एज आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक एज या दैट माइन, यहां पर देखिए वर्ब स्पष्ट नहीं है तो क्या आएगा, यहां माइन है मतलब नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे, एज का, इसमें एज का प्रयोग होगा। अगला एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज द सेम कार, अब एज की दैट आई वांटेड, वर्ब स्पष्ट है तो किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। दिस इज द सेम बॉय हु दैट एज हेल्प्ड हर, अब देखिए कंपटीशन में क्या करता है कि द सेम लगा करके हु प्रयोग कर देता है, तो द सेम के साथ हु कभी नहीं आता है, इसका मतलब इसमें सिर्फ देखिए वर्ब स्पष्ट है, वर्ब स्पष्ट है तो क्या आएगा, दैट आएगा, इसमें हु या एज का प्रयोग नहीं होगा। ये बात समझ में आया कि द सेम के साथ दैट कब आएगा, जब वर्ब स्पष्ट हो, एज कब आएगा, जब वर्ब स्पष्ट नहीं हो, और द सेम के साथ हु का प्रयोग कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अगला प्रयोग देखते हैं, अगला प्रयोग है हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है
चाहे कितना भी क्यों ना, यह कंट्रास्ट व्यक्त करता है। कंट्रास्ट मीन्स विरोधाभास, कंट्रास्ट मीन्स विरोधाभास व्यक्त करता है। तो इसमें याद रखिएगा कि हाउ एवर का स्ट्रक्चर कैसे आएगा। हाउ एवर का स्ट्रक्चर आएगा दो तरह से, या तो हाउ एवर के बाद एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो। एडजेक्टिव मान लीजिए कि आपका स्लो है, तो एडवर्ब क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। हाउ एवर के बाद मान लीजिए कि लेजी एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब भी आ सकता है, लेजली। मतलब हाउ एवर के साथ दो शब्द आएगा ही, या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब। इसके बाद जो वाक्य बनाइएगा उस सिंपल प्रेजेंट में, और उसके बाद कॉमा दे करके सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो टेंस में है बनेगा। यही स्ट्रक्चर है हाउ एवर का प्रयोग, जब किस अर्थ में हो, चाहे कितना भी क्यों न। और यह क्या व्यक्त करेगा, कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल दो या दो के प्रयोग से विरोधाभास होता था। अब मान लीजिए कि है ऑल दो ही इज पुअर, और ऑल दो या दो के साथ फिर भी के लिए एट लाते थे, ही इज हैप्पी। यहां ऑल दो के जगह पर दो का भी प्रयोग करते थे। अब इसी वाक्य को हम हाउ एवर से भी बना सकते हैं, जैसे यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह खुश है। मतलब चाहे कितना भी वह गरीब क्यों न हो, वह खुश है, भाव एक ही है। तो जब इसका हाउ एवर से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाउ एवर। अब इसमें देखिए एडजेक्टिव या एडवर्ब को निकालना है, तो इसमें एडजेक्टिव है, तो हाउ एवर पुअर ही इज कॉमा ही इज हैप्पी। देखिए यहां पर पुअर जो है सो एडजेक्टिव आ गया। अब एडवर्ब की चर्चा करते हैं हाउ एवर के साथ। हाउ एवर लेजली यू वर्क, तुम चाहे कितना भी आलसी पूर्वक काम क्यों न करो, आई एम हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस, विथ योर परफॉर्मेंस। मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस से संतुष्ट हूं, चाहे कितना भी तुम आलसी पूर्वक काम क्यों न करो। तो हाउ एवर का प्रयोग देख रहे हैं। अब अगला प्रयोग है, आपने देख लिया इसका प्रयोग। अगला प्रयोग है इन स्पाइट ऑफ के जगह पर डिस्पाइट भी लिख सकते हैं। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ये ध्यान देना है। अब देखिए इसका मतलब होता है के बावजूद, अब जैसे कह सकते हैं एग्जाम्पल इन स्पाइट ऑफ, या इन स्पाइट ऑफ के जगह पर डिस्पाइट भी लिख सकते हैं। इन अलग होगा, स्पाइट अलग होगा, एक साथ नहीं जुड़ के आएगा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग, इसके साथ जो वर्ब आया वो हमेशा चौथा रूप में आएगा इन स्पाइट ऑफ के बाद। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए कार, अब देखिए हैज हैव का चौथा रूप है आई एन जी। हैज हैव के बाद जब भी नाउन आता है तो हैज हैव का मतलब रखना होता है। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए कार, एक कार रखने के बावजूद ही
गोज टू द ऑफिस, वह ऑफिस जाता है बाय बाइसिकल, वह बाइसिकल से ही ऑफिस जाता है कार रखने के बावजूद। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये तो रखना के लिए हुआ, शादी आया है। इन स्पाइट ऑफ के जगह पर डिस्पाइट भी लिख सकते हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ के जगह पर खाली डिस्पाइट भी लिख सकते हैं, नॉट ऑफ यहां पर लिख दिए, ऑफ नहीं रहेगा। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, देखिए भर में एनर्जी लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट गेट 80% मार्क्स। क्या कहा? कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह 80% मार्क्स प्राप्त नहीं कर सका। कुड नॉट, उर्दू में पढ़े हैं, कोई काम नहीं कर सका। अब टू बी वर्ब के साथ होना क्रिया के साथ इसका प्रयोग देखिए। इन स्पाइट ऑफ बींग, बी मतलब होना हो गया, बी माने होना, होना क्रिया। इन स्पाइट ऑफ बींग रिच, अमीर होने के बावजूद, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है, मतलब विरोधाभास व्यक्त कर रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बावजूद के अर्थ में यह भी जो है सो कंट्रास्ट व्यक्त करता है, ये हो गया विरोधाभास व्यक्त करता है, ठीक है। अब अगला प्रयोग चलेंगे इवन इफ या इवन दो, इसका मतलब होता है भले ही क्यों। भले ही क्यों न, देखिए यह चैप्टर बहुत लंबा भी, तो इवन इफ और इवन दो इसका प्रयोग होता है भले ही क्यों न, इस अर्थ में यह विरोधाभास अर्थात कंट्रास्ट व्यक्त करता है। जैसे कि आपको दे सकते हैं, इवन इफ ही इज हैप्पी, मतलब भले ही वह गरीब क्यों ना हो वह खुश है। तो यहां पर इवन इफ के जगह पर इवन दो का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं विरोधाभास है पहला भाग से, भले ही वह गरीब क्यों न हो वह खुश है, भले ही वह अमीर क्यों न हो, इवन इफ ही इज रिच, भले ही वह अमीर क्यों न हो, ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। मतलब पहले वाले भाग से दूसरा भाग में विरोधाभास व्यक्त करता है इवन इफ या इवन। अगला प्रयोग देखेंगे वही कंट्रास्ट व्यक्त करने के लिए आता है आपको, नो मैटर, नो मैटर का मतलब भी होता है भले ही क्यों ना। लेकिन इसके प्रयोग में ध्यान देना, इसके स्ट्रक्चर को याद रखिएगा कि नो मैटर के बाद WH आएगा, WH मतलब when, what, where, how, WH आना चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए नो मैटर के बाद। WH प्लस सब्जेक्ट प्लस verb, यह स्ट्रक्चर है। अब इसका एग्जाम्पल देखें, नो मैटर
what he thinks, no matter what he thinks, I will go there to help them. अब देखिए no matter के बाद WH वाला वाक्य आया, WH के साथ बात आना चाहिए। तो याद रखिएगा कि वाट के बाद जब सब्जेक्ट आ जाए तो वाट का मतलब होता है जो। वाट का मतलब जो कब होगा? जब वाट के बाद सब्जेक्ट आ जाए। भले ही जो वह सोचता हो, भले ही वह जो भी सोचता क्यों न हो, भले ही जो भी वह सोचता क्यों न हो, I will go there, मैं अवश्य जाऊंगा। आई के साथ विल लगा हुआ है, इम्पैटिक हो जाएगा, जोरदार वाक्य हो जाएगा। मैं जरूर वहां पर जाऊंगा उन लोगों को मदद करने। तो नो मैटर के प्रयोग में ध्यान देना है कि डब्ल्यू एच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अवश्य आना चाहिए। अगला प्रयोग है दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट। इसका मतलब होता है ताकि, ताकि से यह किसी कार्य को करने का पर्पस बताता है। पर्पस मतलब उद्देश्य बताने, उद्देश्य बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप देखें कि कैसे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या इसके दो स्ट्रक्चर हैं, जो स्ट्रक्चर दिए हैं उसी पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे। जैसे ही विल वर्क हार्ड, या इसको ला रहे हैं ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड। अब देखिए तो पहला जो वाक्य है फ्यूचर में है, दूसरा जो है सो प्रेजेंट टेंस में। तो इसमें रूल क्या कहता है, स्ट्रक्चर को देखिएगा। वह कठिन परिश्रम करेगा, दूसरा हो गया वह कठिन परिश्रम कर रहा है। एक बात फ्यूचर में है और एक बात प्रेजेंट टेंस में। ताकि, ताकि के लिए दैट लिखिए या सो दैट लिखिए या इन ऑर्डर दैट, किसी का प्रयोग कर सकते हैं इन ऑर्डर दैट। अब इस स्ट्रक्चर पर हम लोग आगे कहता है कि ताकि के पहले वाले वाक्य को देखिए। यदि पहले वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, देख रहे हैं फ्यूचर में है या प्रेजेंट में, तो इसके बाद जो वाक्य आएगा, इसके बाद आने वाले वाक्य की बनावट क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस गिवन, मे लगेगा इसमें, ताकि वह पास कर सके। ही मे पास, इसका मतलब है कि ताकि के बाद जो आगे का प्रयोग करेंगे उसमें मे और माइट जरूर आएगा सब्जेक्ट के बाद। तो मे कब आया, जब इसके पहले वाला वाक्य फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में। लेकिन जब इसके पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में हो तो मे का पास्ट माइट हो जाता है। इसके पास्ट टेंस में रहने पर इसके बाद जो वाक्य आएगा वो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस गिवन हो जाएगा। इसको समझे, ही वर्क हार्ड, पास्ट में हो गया ही वर्क हार्ड, पास्ट में हो गया। ताकि सो दैट वह पास कर सके, ही माइट पास। तो आपने क्या देखा कि ताकि के पहले वाले वाक्य पर हमको ध्यान देना है। अगर फ्यूचर में और प्रेजेंट में हो तब इसके बाद आने वाले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद मे का प्रयोग करें, और यदि पास्ट टेंस में हो तो इसके बाद आने वाले वाक्य में माइट का प्रयोग करेंगे, जिसे संभावना व्यक्त। ठीक है, अब इसमें हम कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। कौन स्थिति में से आप देखें, नोट पे यहां पर एग्जाम्पल दे, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। ताकि सो दैट, मैं
उन लोगों को मदद कर सकूं। आई कैन हेल्प देम। यहाँ पर कैन का प्रयोग कब आया? ये तो संभावना व्यक्त किया था, मैं आजमाइंड क्या व्यक्त किया था, संभावना, ये संभावना में आया था। तो देखिए इसके पहले प्रेजेंट टेंस में है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जब कैन का प्रयोग करेंगे तो यह निश्चितता बताएगा, निश्चित बताएगा, इसमें कोई संभावना नहीं। कहा कि मैं वहां जा रहा हूं ताकि मैं उन लोगों को मदद कर सकूं, मैं तो वहां जाएंगे तो निश्चित हम मदद करेंगे। तो जहां निश्चित भाव आ जाए वहां पर निश्चित भाव बताने में सो दैट या इन ऑर्डर दैट के पहले कैन का प्रयोग तब करेंगे जब इसके पहले वाला बात प्रेजेंट टेंस में। लेकिन यदि पास्ट में रहेगा तो क्या होगा? आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा था ताकि सो दैट मैं उन लोगों को मदद कर सकूं। आई कुड हेल्प देम। यहां कुड का प्रयोग हुआ क्योंकि इसके पहले वाला वाक पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में था आई एम गोइंग देयर, तो ताकि के लिए, ताकि के बाद कैन का प्रयोग किया इस भाव को व्यक्त करने के लिए, निश्चित भाव। और जब इसके पहले पास्ट टेंस में वाक था ताकि के पहले, तो मैंने कुड का प्रयोग किया इस भाव को व्यक्त करने के लिए, निश्चित भाव को। तो आपने क्या समझा इस प्रयोग में कि ताकि के पहले मे और माइट का प्रयोग कब करेंगे? जब संभावना व्यक्त और निश्चितता व्यक्त हो तो कैन और कुड का प्रयोग करेंगे। मे का प्रयोग संभावना में कब किए थे? जब इसके पहले वाला बात फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में। माइट का प्रयोग कब किए थे? जब ताकि के पहले वाला बात पास्ट टेंस में। अब निश्चित भाव व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग कब किए? जब इसके पहले वाला बात प्रेजेंट टेंस में था, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, ऐसे भी कह सकते हैं आई शैल गो देयर, यहां पर हम लिख सकते हैं आई एम गोइंग कर रहे हैं या आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर फ्यूचर में भी रहेगा, आई शैल गो देयर। तो इसके पहले फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, तो ताकि के बाद निश्चित भाव व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग करेंगे, और जब ताकि के पहले पास्ट टेंस में वाक हो तो निश्चित भाव व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग करेंगे। समझ आ गया? अब हम अगला प्रयोग देखेंगे सच के साथ एज और सच के साथ दैट। तो सच के साथ जब एज आता है तो इसका मतलब होता है ऐसा, जिससे कि या जैसा, और सच के साथ दैट आता है तो इसका मतलब होता है ऐसा कि, सच मतलब ऐसा होता है। तो अब देखेंगे कि सच के साथ एज का प्रयोग कब करेंगे, जब देखेंगे कि इसके बाद आने वाला वाक इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? टू प्लस वन। और दैट का प्रयोग कब करेंगे? जब इसके बाद सब्जेक्ट प्लस, तो देखिए इसका प्रयोग, हिज बिहेवियर वाज सच, उसका व्यवहार ऐसा था एज टू कॉज एंजाइटी, जिससे कि जो है चिंता उत्पन्न होगी, ऐसा व्यवहार था जिससे कि चिंता उत्पन्न। तो यहां पर जैसा कि अर्थ में एज का प्रयोग कब किए? जब इंफिनिटिव आ रहा हो, मतलब टू प्लस। दूसरा क्या हमको देखिए, देयर वाज सच ए नॉइज दैट, दैट क्यों किया? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा है, आई कुड नॉट हियर, सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, तो सच के साथ हमने किसका प्रयोग किया? दैट का। यहां सच के साथ एज का प्रयोग किया था क्योंकि इंफिनिटिव आ रहा था। इतनी आवाज, ऐसी आवाज थी, देयर वाज सच ए नॉइज, ऐसी आवाज थी कि मैं राहुल की बात को सुन नहीं सका, कि मैं राहुल की बात को सुन नहीं सका।
चौथा एग्जाम तो देखिए तब तीसरा फिर समझावे, ये एडवांस प्रयोग है, थोड़ा सा ध्यान देना। आई एम नॉट सच ए फूल, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, एज जैसा कि टू बिलीव हिम, जैसा कि मैं उस पर विश्वास करूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। तो आप देखिए तो सच के साथ एज का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि आने वाला जो शब्द है वह इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव के पहले एज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब तीसरा प्रयोग देखिए, सी इज नॉट सच एन इंटेलिजेंट गर्ल एज की दैट आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब देखिए इसमें तो सब्जेक्ट वर्ब निकला हुआ है, तो उस अनुसार तो हम दैट का प्रयोग सोच लें, लेकिन विशेष प्रयोग पर ध्यान रखिए। कहता है कि सच के बाद यदि एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए, एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए तो एज का प्रयोग करें, ठीक है। सच के साथ एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए, नाउन आया ना, एडजेक्टिव हो गया इंटेलिजेंट, नाउन हो गया गर्ल, तब एज का प्रयोग करेंगे सच के साथ। तो वह ऐसी इंटेलिजेंट गर्ल नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने उम्मीद किया था। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब तो निकला हुआ है, लेकिन एज का प्रयोग हुआ, क्यों हुआ इसको समझ में आ गया कि सच के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन रहने पर सच के साथ एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एज का भी प्रयोग किया, फिर ध्यान देंगे सच के बाद एडजेक्टिव या नाउन रहने पर एज का प्रयोग करेंगे, तो जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव प्लस नाउन रहने पर सच के साथ एडजेक्टिव प्लस नाउन रहने पर एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रयोग देखिए, नाउन या प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच, किसी नाउन या प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच कंजंक्शन का प्रयोग नहीं। यहां पर इसका एग्जाम्पल देखिए, किसी नाउन या प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच कंजंक्शन का प्रयोग नहीं। एग्जाम्पल, शी इज काजल, नाउन आ गया, एंड हू आर, हू इज काजल है तो काजल के अनुसार हू इज माई स्टूडेंट। अब देखिए नाउन आ गया आई रिलेटिव प्रोनाउन, हू आ गया व्यक्ति के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। क्या कहता है कि नाउन या प्रोनाउन तथा रिलेटिव प्रोनाउन के बीच किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग गलत होता है, ये गलत। इसमें से एंड को हम निकाल देंगे, मतलब नाउन या प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच कभी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है। तो सही क्या हो जाएगा, शी इज काजल, हू इज, देखिए जब रिलेटिव प्रोनाउन आया तो काजल जो है यहां पर ही आपका नाउन है, और इसी नाउन के अनुसार वर्ब आएगा, इज आया, माय, तो समझ में आया नाउन प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा। प्रोनाउन मिलाते हैं,
एग्जाम्पल में, इट इज यू एंड यू आर माई फेथफुल स्टूडेंट। अब देखिए प्रणाम आ गया और प्रणाम और रिलेटिव प्रणाम के बीच जो एंड आया इसका प्रयोग जो है सो गलत है। यहां पर एंड जो है कंजंक्शन नहीं आना चाहिए। सही क्या होगा, इट इज यू हू आर माई फेथफुल स्टूडेंट, तुम ही हो जो मेरे विश्वसनीय स्टूडेंट। तो समझ में आ गया कि नाउन या प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता। तो यह आपका पार्ट 7 था। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करके उसे शेयर करें। धन्यवाद।